In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. सातवीं जमात के प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पेज नंबर 50 निकालो, पेज नंबर 50 निकालो। बेटा, पेज नंबर 50 पे टॉपिक है आपका वीमेनस वर्क एंड इक्वालिटी, वीमेनस वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और बराबरी। हम इसकी पहले मॉडल रीडिंग करेंगे, फिर इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वीमेनस हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल आर फैमिली मैटर। कहता है कि जैसे हमने देखा है कि लो वैल्यू अटैच्ड टू वीमेनस हाउस होल्ड, कि वो औरतें जो घर में काम करती हैं उनका कोई खास वैल्यू हमारे पास होता नहीं है। देखो, हमारे पास तो होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उन औरतों का कोई खास वैल्यू नहीं होता है। मतलब जितने भी घर के काम होते हैं वो औरतें सब के सब काम करती हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते रहते हैं कि आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई काम ही नहीं था, कुछ नहीं था, कि घर का काम मुजरा नहीं आते। वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल आर ए फैमिली मैटर, कि ये कोई अलहदा काम नहीं होता, किसी एक फर्द का काम नहीं होता है, ये पूरी फैमिली, पूरी कुंबे का मसला होता है, घर का कोई काम। इट इज पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। कहते हैं कि ये जो घर का सारा काम होता है, ये एक ना बराबरी है किसके, मर्द के और औरत के दरमियान। क्यों? घर का जो काम होता है ये तो पूरे परिवार का होता है, पूरे कुंबे का काम होता है। कुंबा मीनस कि ये फैमिली मतलब नहीं है फौजियों वाली फैमिली। देखो, फैमिली को समझने की कोशिश करो। फैमिली मीनस कि एक घर में एक चूल्हे पे जितने भी रहने वाले हैं, उसमें माँ है, बाप है, दादा दादी, बहन भाई, चाचा चाची, बच्चे, जो भी एक चूल्हे पे रहने वाले हैं वो सब के सब फैमिली मेंबर्स ही हैं। फौजियों वाली फैमिली मीन्स के मियाँ बीवी दो को ही सिर्फ वो फैमिली बोलते हैं, वो फैमिली नहीं होती है। कि ये जो घर का काम होता है ये सब के सब लोगों की जिम्मेवारी है, लेकिन करता कौन है? सिर्फ औरतें करती है, मर्द घर का काम करते नहीं, छोटे मोटे काम। इट देयरफॉर हैज टू बी डेल्ट विद द थॉट एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल आर ए फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। As we know, now know equality is an important principle of our constitution. कहते हैं कि देखो, ये जो मसला है, ये डील है, ये एक काम है, ये कोई इंडिविजुअल कोई फर्द करता है, या कोई फैमिली मेंबर करता है, या कोई कुंबा भी करता है, ये गवर्नमेंट का इसमें क्या है, कैसे है? देखो, as we know, now equality is an important principle of our constitution. हमें पता होना चाहिए कि हमारे आयन का एक अहम प्रिंसिपल है बराबरी। The constitution says that being male or a female should not become a reason for discrimination. हमारा आयन, हमारा constitution कहता है कि कोई male है या female है, चाहे कोई मर्द है चाहे औरत है, इसमें फर्क कोई नहीं है। In a reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and house work fell on women and girls. कहते हैं कि देखो, अगर कहीं भी ना बराबरी हो रही है तो ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसका काम है इसमें सही कराना कि इसमें, ताकि दोनों मर्द हो या औरत हो, दोनों को बराबर का हिस्सा मिल जाए। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह इससे आगे कल।